कि हम लोग तो राजगीर में जो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, तो वहां पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं। और हम लोगों का निर्णय हो गया है कि वहीं पर बिहार खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी। तो ये सब काम चल रहा है और इसको हम लोग 740 करोड़ रुपए की लागत से इस काम को कर रहे हैं। और जो भी कर रहा है बराबर हम जाकर के कह रहे हैं तेजी से काम कर लीजिए और वो हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए कितना जगह से न सिर्फ अपने राज्य के बल्कि देश भर के लोग आएंगे और जिस तरह से सुंदर स्थल का निर्माण किया जा रहा देखेंगे लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। आज पहली बार आप लोग आ रहे हैं, आगे भी ये सब काम होता रहे और सब जगह के लोग यहाँ भी आ जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी। और सबके रहने का और उन लोगों की सुविधा के लिए भी सब इंतजाम। और आपको हमने तो बता ही दिया कि हम लोगों ने इसके लिए भी सब कुछ कर दिया है, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का भी निर्णय ले लिया है। यानी हर प्रकार से हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि आपको जो हम बता दें कि जो इस देश में जो शुरू हो गया खिलाड़ियों को नौकरी देने का, तो आप समझ लीजिए 2002 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम रेल मंत्रालय देख रहे थे और उसी समय हम लोगों ने खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी देने का निर्णय लिया और उसकी व्यवस्था कराई। ये हम लोगों ने काम कराया, आप समझ लीजिए 2002 में अटल जी के नेतृत्व में ये काम हम लोगों ने कराया। अब आजकल जिनका नेतृत्व हो जितना प्रचार करते रहे हमको उस सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप जरा समझ लीजिए कि अटल जी के टाइम में सबसे पहले खिलाड़ियों का रेलवे में नौकरी देने का काम हम लोगों ने शुरू करवाया। इस बात को जान लीजिए। और जब यहां भी काम करने का मौका मिला है बिहार में, तो आप समझ लीजिए 2012 में बिहार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है और अब तक 235 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। अभी आपको हमारे उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, हम लोगों ने सोच लिया है आगे के लिए कि अब जो भी होगा, अभी तक तो हम लोग ग्रेड 3 में दे रहे थे, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो खूब आगे बढ़ने वाले होंगे उनको नौकरी देंगे सीधे और उनको बनाएंगे हम लोग यह समझिए ग्रेड 1 का, यानी बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा में। और सीधे कोई इंटरव्यू नहीं, वो जीत करके जाएंगे, पदक जीतने पर इन बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे हम लोग अगर चाहेंगे तो उनको नौकरी दे देंगे। आप उसको समझ लीजिए ग्रेड 1 के स्तर पर बिहार के खिलाड़ियों को हम दे देंगे, यह हम लोगों ने सोच लिया है। अब पहले जो देख रहे थे जो ग्रेड 3 में, अब ग्रेड 1 तक का भी हम लोगों ने सोच लिया है कि उनको देंगे। तो जब इस तरह से काम होगा तो आप समझिए हमारे खिलाड़ी और कितना बढ़ेंगे और कितना आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों का ये सब फैसला है, तो हम लोग तो करना चाहते हैं यहाँ पर। आज जितने लोग दूसरे जगह से आए हैं, मैं यही आग्रह करूंगा सारे अधिकारियों को, सब लोगों का जो विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं लड़के और लड़कियां, इनको खेलने के दौरान हर तरह से इंतजाम बहुत अच्छा करिए और इनको रखने का आने जाने का सब तरह से, किसी तरह की दिक्कत बाहर से आने वालों को नहीं होनी चाहिए, सबको खुशी होनी चाहिए। और जब खेल लेंगे तो अगर यहाँ एक एक चीज है तो जो भी दिखा सकते हैं, अगर बिहार म्यूजियम की इच्छा होगी तो बिहार म्यूजियम भी दिखा दीजिए, कोई और इतना विशेष जगह है यहाँ उन जगहों को अगर दिखाना चाहे तो उनको भी बता दीजिए, दिखा दीजिए। तो इसीलिए जो हम लोग काम कर रहे हैं तो सब तरह से काम हम लोग करेंगे। और जो ये इतना अच्छा आयोजन शुरू हुआ है, खूब बढ़िया से खेल हो जाए, सब लोग खूब खेलिए, यही हम लोगों का आग्रह है और किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जितने लोग आए हुए हैं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी को, सभी का, मैं उन खिलाड़ियों का मैं अपने शुभकामनाएं देता हूं कि आप न सिर्फ यहीं पर आगे बढ़िए, इसके आगे भी और जगह देश भर में और दुनिया में भी जब जाइए आपको आगे बढ़ने का मौका मिला, यही हमारी आप सब लोगों के प्रति शुभकामनाएं हैं।